फोर बेसिक होता है। फोर बेसिक का मतलब चार पहिया, जैसे गाड़ी के फोर व्हीलर के अगर सिर्फ चार में से एक चार निकल गया तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। ये चेयर में से एक चेयर गिर गई तो ये चलेगी क्या? नहीं। ये भी चेयर, मतलब ये चेयर नहीं कहलाएगी। हमारे समझ ये दो है, ये दो है, अगर से एक निकल गया तो ये तीन हो जाएंगे, इसको हम लंगड़े ही बोलेंगे ना। हाँ। तो वैसे जो होता है, सबसे पहला होता है फोर बेसिक में लिस्ट बिल्डिंग होती है, दूसरा होता है कॉन्टैक्ट इनवाइट होता है, एसटीपी होता है, सो द चौथा होता है फॉलोअप होता है। सबसे पहला लिस्ट बिल्डिंग, हमें जैसे बिजनेस प्लान बताना है उसका लिस्ट बनाना पड़ता है। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट इनवाइट, मतलब कि ये 10% का काम होता है, 20% का होता है, 30% का होता है, और ये होता है 40%, मतलब टोटल कितना हो गया, 30 हो गया, 30 × 60 और 40 मतलब कि 100% क्योंकि 100% सब चीज होती है। हम क्योंकि 100% पानी भी बोलता है, 100% अगर से गाड़ी ऊपर गई तो एक्सीडेंट भी हो जाता है, इसलिए हमें 100% बिजनेस को करना है, 100% नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग, आपको जिसको भी अगर से बिजनेस प्लान बताना है तो लिस्ट बनाना पड़ता है। और मैं आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट बताऊंगा कि आपको कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे करना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है कॉन्टैक्ट इनवाइट, मान लीजिए आपने लिस्ट नहीं बनाया और सामने वाला आप चाहते हैं कि जैसे मैं मीटिंग में बैठाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली अगर से वो मीटिंग में बैठा तो वो जो है प्रोडक्ट के बारे में भी समझेगा और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल के प्रति पॉजिटिविटी दिखाएगा। अब बात आती है कि कॉन्टैक्ट इनवाइट क्या होता है। कॉन्टैक्ट इनवाइट मतलब किसी व्यक्ति को प्रोग्राम का सेमिनार तक लाना होता है। अब उसे हम कैसे बताएंगे, अब कोई फ्रेशर होता है, फ्रेशर मतलब नया होता है, अब उसे आप बताएंगे उसके घर का, उसे ये नहीं बताना है कि भाई आईएमसी की मीटिंग में कुछ चल रहा है। वो क्यों आएगा, जब से इम्पोर्टेंस ही नजर नहीं आ रही। हम खाना खाने जब जो शादी होती है हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें खाना मिलता है, लोग मिलते हैं, मजा आता है ना खाना खाने। अब हम कहीं ट्रेवल पे जाते हैं वहां पे मजा आता है, तो भाई जिस आईएमसी मीटिंग में जाना है तो वहां भी तो मजा आना चाहिए ना। जब तो वो आएगा क्योंकि उसके पास भी टाइम है, सही बात है, उसके पास भी टाइम है, जब तो जाएगा। अब बात आती है कि उसको आपने बता दिया, उसके सामने आप बैठ गए, 30 सेकंड तक कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं, उसकी सुनना है कि कहता क्या है, बैठना उसके साथ, उसकी सुनना है, उसको बता देना, फिर उसको बताना है कि आप संडे को क्या कर रहा है, बोले कुछ नहीं कर रहा मैं तो घर पे ही हूँ। अच्छा अच्छा, फिर यार मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम आया है, जब मैं पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को या सिस्टम को कर रहा हूँ, अगर से तू भी जानेगा ना तो तू भी जो पार्ट टाइम तेरा जो टाइम बचता है उस टाइम में इस सिस्टम में काम करके हम किसी को इनकम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा पॉकेट मनी जो मम्मी पापा से मिलते हैं, दूसरा हो गया हमारा मोबाइल का खर्चा, तीसरा हो गया पेट्रोल का खर्च, हम इस बिजनेस से सिस्टम से निकाल सकते हैं पार्ट टाइम करके। तो बोलेगा करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो तेरे को पहले कैसे एक ऐसे पर्सन से मिलाने जा रहा हूँ जो सिस्टम को लगभग 1.5 से 2 साल कर रहा है और अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर रहा है अपनी पढ़ाई के साथ में। तो बोल अगर से तेरे को मैं ऐसे सिस्टम दूँ तो तेरे लिए कैसा होगा, वो बोलेगा कि यार बहुत अच्छा होगा, खाली के लिए समय में ये करता रहूंगा। तो क्योंकि ये जो स्टूडेंट कैटेगरी की, ये तो समझेंगे कि करियर बनाना है, ठीक है ना, ये तो बनाना है करियर बनाना है, तो उनको बोलना है कि चलिए तुम मुझे जो है ना संडे का टाइम निकाल, एक ऐसे जबरदस्त पर्सन आ रहा है जो इस बिजनेस के बारे में बता रहा है, एज बहुत कम है लेकिन नॉलेज जबरदस्त है, बिल्कुल जबरदस्त है, सोचेगा तो बोले तेरी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, तेरी तो कभी सोचेगा भी नहीं और तेरे को किसी ऐसे व्यक्ति ने बताया भी नहीं होगा इस बिजनेस के बारे में कि ऐसा भी कोई पैसा कमाता है जो प्रोडक्ट बेच के। बोलना कि ये जो हमारा बिजनेस है ना, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, एजुकेशन क्यों लेते हैं, जॉब करने के लिए, जॉब भी करते हैं मनी के लिए, मनी को करते हैं सपने को पूरा करने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास जॉब नहीं है, है ना, देख दोस्त अभी जो जॉब, अभी जो कैटेगरी चल रही है, अभी जो सीजन चल रहा है, मतलब कि अभी ये आपने देखा होगा कि ऐसा वातावरण चल रहा है कि हर व्यक्ति को जॉब नहीं मिल पा रही है, तो लेकिन तेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि तू 2 से 3 साल में 1 लाख रुपये महीना कमा सकता है, तो बोलेगा नहीं क्योंकि उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बोलना चल कल का टाइम निकल, संडे का टाइम निकल, मैं तेरे को ऐसे पर्सन से मिलाने जा रहा हूँ जो अच्छी खासी यहाँ पे इनकम क्रिएट कर रहा है, ऐसे प्रोडक्ट पर नॉलेज लेके और नॉलेज देके, तो यहाँ से तू अपना एजुकेशन लेते लेते जॉब भी कर सकता है, जॉब के बाद मनी भी कमा सकता है और मनी और सपने भी पूरे कर सकता है, ठीक है। हम ये चीज के लिए करते हैं ना, हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, जॉब करने के लिए, जॉब पैसा के लिए, पैसा सपने को पूरा करने के लिए। ड्रीम क्या होता है, जो एक स्टूडेंट का जीवन में ड्रीम क्या होता है, एक तो गाड़ी एक तो मोबाइल होता है, जब बड़ा हो गया तो एक मकान एक फोर व्हीलर का होता है, बस इतना ही होता है, और ज्यादा से ज्यादा तो फिर वो सोचेगा कि ट्रेवल, मतलब कि मैं फॉरेन यात्रा करूं, मेरी फैमिली को पूरा फॉरेन कराऊं, मेरा अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये चाहता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट इनवाइट, मैंने आपको बताया। तो बोलिए ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है तेरे पास कि तू 2 से 3 साल में अच्छा खासा इनकम क्रिएट कर सकता है, तो चलो ये होता है एडिफिकेशन। फिर बताना है सिस्टम के, अगर से वो बोलेगा कि क्या है मुझे अभी बताओ, तो बोलना उसको एक ही चीज, बोलना खाने का मजा रेस्टोरेंट में,
देखने का मजा थिएटर में और जिस चीज के बारे में जानना है उसका मजा आईएमसी के सेंटर में। वाह वाह गजब, तालियां। जो बिजनेस प्लान को अच्छे तरीके से जानता है 20% का काम हो गया आपका। अब देखिए ये 60 हो गया, इस बीच में अगर जितना भी किया आपने लेकिन अगर से आपने फॉलोअप नहीं किया, फॉलोअप क्या होता है, जैसे उसने बिजनेस प्लान देखा उसको बताएंगे कि ये बिजनेस को क्यों करना है क्योंकि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम बहुत ही कम समय में अच्छा खासा इनकम क्रिएट कर सकते हैं। हमें यहाँ क्या करना है, इसी प्रोडक्ट को यूज करना है और प्रोडक्ट को हमें सेल करना है, मतलब कि सिस्टम इसमें चलता है सीखना है, सिखाना है और अपने जैसे डुप्लीकेट करना है, ठीक है ना। मतलब कि और ये देखिए लीडर के लिए क्या होता है, टिकना है, दिखना है और बिकना है, डुप्लीकेट करना है, यही चीजें यही फार्मूला पे जो है बिजनेस चलता है। सबसे पहला लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा होता है कॉन्टैक्ट इनवाइट, तीसरा होता है एसटीपी, चौथा होता है फॉलोअप होता है, ये चार बेस पे काम।